8 जून 2024 मुरादाबाद शनिवार का दिन वरिष्ठ सपा नेता और हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखने वाले धर्मपाल सिंह यादव उर्फ डीपी यादव के परिवार पर संकट लेकर आया। सुबह करीब 9:30 बजे सपा नेता ने स्वयं को कमरे में बंद करके लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। मिलनसार और व्यवहार कुशल डीपी की मौत की खबर सुनकर हर कोई स्तंभ रह गया। देखते ही देखते खबर फैल गई और सपा नेताओं की डीपी के आवास पर भीड़ लग गई। सूचना से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया और एसएसपी समेत तमाम अफसरों ने मौका मुआयना किया। एसएसपी हेमराज मीणा ने परिवारजन से पूछताछ के आधार पर बताया कि 3 महीने से डिप्रेशन में थे। शहर के थाना मंजुला क्षेत्र की बुद्धि विहार कॉलोनी में रहने वाले डीपी यादव पुराने सपा कार्यकर्ता रहे। प्रोफेसर राम गोपाल यादव के करीबी माने जाने वाले डीपी यादव को चुनाव के दौरान जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। बताया जाता है कि अपने आवास के ग्राउंड फ्लोर पर बने छोटे कमरे में उन्होंने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली। इनर वियर में संदिग्ध परिस्थितियों में उनके आवास के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में शव मिलने से हड़कंप मच गया और परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। खबर फैलते ही आवास पर लोगों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई। जांच के दौरान पुलिस ने मकान के अंदर लोगों को जाने से रोक दिया है। एसएसपी हेमराज मीणा ने मौका मुआयना किया और परिजनों से बातचीत की। उन्होंने मीडिया को बताया कि घटना करीब 9:30 बजे की है। भूतल पर बने छोटे कमरे में डीपी यादव ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से सीधी तरफ कान से थोड़ा ऊपर सटाकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रिवॉल्वर मौके पर मिल गया है। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। थाना प्रभारी मजूला को सपा के एक पूर्व नेता हैं, उनके द्वारा इस सूचना मिली थी कि जो धर्मपाल यादव जी हैं, पूर्व सपा के जो जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपने घर में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से सुसाइड कर लिया है। और यह मौके पर थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और एसपी प्रभारी एसपी सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम है, उसके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे एक छोटा स्टोर टाइप का एक रूम है और वहाँ पे एक छोटा बैग है, उसी के अंदर से जो रिवॉल्वर है उसको निकाला गया है। और उन्होंने राइट हैंड से जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उससे गोली मारी गई है और इसमें प्रथम दृष्टया देखने पर आत्महत्या लग रहा है। और इनके पास में जो अभी तक जानकारी मिली है 3 असले थे, जो एक इनकी पत्नी के नाम पे था जो इनके पास में था, और 2 अभी चूँकि चुनाव में आचार संहिता लगी हुई थी तो सारे 2 वेपन इनके जमा थे। परिवारजनों से जो पूछताछ की गई थी, जानकारी मिली है कि पिछले 3 महीने से ये डिप्रेशन में थे किसी चीज़ को लेकर, और इनको फिजिकल भी प्रॉब्लम थी डिप्रेशन की वजह से। और 31 तारीख से परिवारजनों ने बताया है कि उन्होंने दिल्ली में कोई साइकोलॉजिस्ट है उनसे इनका वो भी कराया था, ट्रीटमेंट भी चल रहा था, उनकी दवाइयां भी इनकी चल रही थी। और जानकारी मिली थी कि कहीं किसी चीज़ को लेकर, मतलब जो इनके दिमाग में कोई चीज़ ऐसी हो जाती थी उसको लेकर ही हमेशा परेशान से रहते थे, और उसी वजह से फिर इनको और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अभी परिवारजनों के द्वारा जो जानकारी मिली है, इनको हरिद्वार भी ले जाया गया था, वहाँ पर इनको थोड़ा काउंसिल भी किया गया था, जो कि इनकी बेटी और बेटे ने बताया है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल है जो ऊपर ही बेडरूम इनका ऊपर है, और नीचे एक रूम है जिसमें अक्सर इनका स्टडी रूम टाइप का था, उसके बगल वाले रूम में ये घटना हुई है। और उसमें अंदर से जो गेट भी बंद था उसको परिवारजनों ने धक्का मार के खोला है। तो इसमें अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी तक कोई इसमें सुसाइड नोट वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं मिली है, इसकी जाँच की जा रही है घटनास्थल की। और जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पर इसमें आगे कार्रवाई होगी। अभी तक परिवारजनों के द्वारा किसी प्रकार का कोई किसी के ऊपर कोई संदेह या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं बताई गई है। पिछले 3 महीने से वो लोग बताया जा रहा है कि परेशान थे, और गोली इन्होंने राइट साइड में कान के ऊपर सिर में मारी है। रिवॉल्वर भी मौके से बरामद हुई है और प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि सुम के द्वारा ही मारा गया है, और वहीं पर उसी जगह पर लेटे हुए भी पाए गए।